दोस्तों, जब भी हम हमारे गार्डन में पौधे लगाते हैं तो उनमें अलग अलग तरह के कीड़े मकोड़ों का अटैक होता है, जैसे कि एफिड्स, मिलीबग, थ्रिप्स, वाइट फ्लाई, स्पाइडर माइट और बहुत सारे सॉफ्ट बॉडी इंसेक्ट उन पर अटैक करके उन्हें कमज़ोर बनाते हैं और हमें फिर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और हम सोचते हैं कि क्यों ना इसका कोई ऐसा ऑर्गेनिक सॉल्यूशन मिल जाए जिससे ये सारे इंसेक्ट को हम ख़त्म कर सकें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइडल सोप, जिसकी मदद से आप अपने गार्डन में आने वाले पौधों में जो ये कीड़े मकोड़े होते हैं इनको रोक सकते हैं। और ये बहुत ही एक अच्छा ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है जिसका इस्तेमाल आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग में भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपको मिलेगी पूरी जानकारी इस इंसेक्टिसाइडल सोप के बारे में कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसके फायदे क्या हैं और किस तरह ये हमारे गार्डन के पौधों को रोगों से बचा सकता है, कीड़े मकोड़ों से बचा सकता है। इसके लिए वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब देखिए क्या होता है, शुरुआत करते हैं। जब भी हम पौधे लगाते हैं तो क्या होता है, छोटे पौधे से लेकर बड़े पौधे तक शुरुआती समय से ही हमारे गार्डन के पौधों में किसी न किसी तरह के इंसेक्ट अटैक करने लगते हैं। वो वाइट फ्लाई हो सकते हैं, वो आपका एफिड्स हो सकता है, थ्रिप्स हो सकता है, मिलीबग हो सकता है। जैसे कि गुड़हल में देखा होगा आपने, मिलीबग का काफ़ी अटैक होता है और एफिड्स का काफ़ी अटैक होता है। अगर मैं बात करूं बैगन के तो वहां पर स्पाइडर माइट और लीफ ब्रोरर, स्टेम ब्रोरर इस तरह के बहुत ज़्यादा अटैक होते हैं। बहुत सारे कैटरपिलर जो है हमारे गार्डन के पौधों के पत्ते खा जाते हैं, फ्रूट को डैमेज कर देते हैं। तो इन सारी परेशानियों से बचने का बहुत ही आसान तरीका है इंसेक्टिसाइडल सोप। अब ये जो सोप है ये 200 सालों से, मतलब लगभग इसे 200 सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है पौधों पर, पूरी तरह से सेफ है ह्यूमन के लिए, पेट्स के लिए और पौधों के लिए। अब ये होता क्या है, सबसे पहले तो इसे समझ लेते हैं। देखिए ये नेचुरल ऑयल से बना एक सोप है जो कि एक सर्फेक्टेंट की तरह काम करता है और पौधे की जो पत्तियां हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा ये फैलता है और उनके जब आप इसको स्प्रे करेंगे उस पौधे की पत्ती के ऊपर या फिर जहां पर भी इंसेक्ट अटैक हुआ है उसके ऊपर जब आप इसका स्प्रे करेंगे तो उस एरिया को ये पूरी तरह से कवर कर लेता है और जब कोई भी इंसेक्ट उसके बीच में फंस जाएगा, मतलब कि अगर आपका कोई मान लीजिए कि एफिड्स है उस पर आपने स्प्रे किया तो उसके चारों तरफ एक लेयर बन जाएगी जिससे वह इंसेक्ट जो है सफोगेशन और दूसरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से ये नेचुरली तरीके से पौधों को बचाता है और इंसेक्ट को किल कर देता है। तो इसका बहुत अच्छा जो है रिजल्ट मिलता है। अब इसके कुछ आपको समझने होंगे कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है और क्या क्या सावधानी रखनी है ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिले। अब बात करते हैं कि ये किन किन इंसेक्ट पे काम करेगा। तो ये एफिड्स पे काम करेगा, मिलीबग पे काम करेगा, इसके बाद ये जो है स्पाइडर माइट पे काम करेगा, आपका लीफ माइनर पे ये काम करेगा, स्टेम बोरर पे काम करेगा। तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्ट बॉडी इंसेक्ट हैं उन पर ये काम करेगा। जो दूसरे हमारे फ्रेंडली इंसेक्ट होते हैं जैसे कि मधुमक्खियाँ हैं और तितलियाँ हैं, इनको ये कोई नुकसान नहीं करेगा क्योंकि वो काफ़ी बड़ी होती हैं और ये केवल छोटे सॉफ्ट बॉडी जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं उन पर काम करता है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये पूरी तरह से सेफ है और इसका इस्तेमाल गार्डनिंग, जो ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं वहाँ भी किया जा सकता है। अब जो है इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है, इस चीज़ को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसको जो है आपको कैसे इस्तेमाल करना है और कब इस्तेमाल करना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इसका इस्तेमाल स्प्रे के तौर पर किया जाता है, जैसे कि मैंने ये स्प्रे पंप लिया है, इसमें मैं आपको स्प्रे करके भी दिखाऊंगा। और दूसरा, इसका इस्तेमाल आपको सुबह के समय और शाम के समय करना है क्योंकि इसका जो हम स्प्रे करेंगे वो जितने समय तक पत्ती के ऊपर रहेगा उतना ज़्यादा वो इफ़ेक्ट करेगा। जितने समय तक आपका जो है इंसेक्ट के ऊपर रहेगा उतना ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, ताकि उतना ज़्यादा समय तक उसकी वो उस कह सकते हैं कि जो एक्टिविटी है उसको ब्रेक करेगा तो डेड होने के चांस ज़्यादा होते हैं किसी भी इंसेक्ट के। इसके अलावा ये जो है बहुत सारी डिसीज़ जैसे पाउडरी मिल्ड्यू में भी ये अभी अप्रूव्ड है, उसमें भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी ये फ़ायदेमंद होता है। अब देखिए इसका एक और फ़ायदा है कि ये साथ में इंसेक्टिसाइड तो है ही,
इसके अलावा बहुत अच्छा एक आपका सर्फेक्टेंस है जिसका इस्तेमाल आप दूसरे जो है पेस्टिसाइड के साथ कर सकते हैं। जैसे हमारा मान लीजिए हमने नीम ऑयल का स्प्रे करना है, अब आपको पता होगा नीम ऑयल जो है जो पानी में घुलता नहीं है, तो आप इस इंसेक्टिसाइड सोप का इस्तेमाल करें, 5 ml इसे ले लें और जितना आपको नीम ऑयल मिलाना है उसे घोल लीजिए, तो ये बहुत अच्छा एक सर्फेक्टेंस का काम करता है। इसके अलावा अगर आप सीवीड लिक्विड फर्टिलाइजर को स्प्रे करना चाहते हैं या दूसरा बायो एनपीके देना चाहते हैं तो उसके साथ भी आप इस इंसेक्टिसाइड को सोप को मिला सकते हैं और ये बहुत अच्छा वहाँ पर काम करेगा। तो ये ऑल इन वन है, इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल आप पेस्टिसाइड के तौर पे भी कर सकते हैं, पौधों को क्लीन करने के लिए भी कर सकते हैं और पौधे को जब आप न्यूट्रिशन का स्प्रे करते हैं तो उसके साथ भी आप इसे मिला सकते हैं। तो ये आपका मल्टीपर्पज़ यूज में आने वाला है। अब देखिए इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो सबसे पहले तो आपको ज़रूरत होगी इस तरह के स्प्रे पंप की। आप 2 लीटर 1 लीटर जिस भी साइज का चाहें स्प्रे पंप ले लें और इसमें आपको जो पानी लेना है इसका बड़ा जो है मेन रोल है इसमें, ये आपको सॉफ्ट वाटर लेना है। सॉफ्ट वाटर मींस जो हम पीने में पानी इस्तेमाल करते हैं, आप आरओ वाटर ले सकते हैं, आप जो है डिस्टल वाटर ले सकते हैं, इस तरह के वाटर जो है पानी का इस्तेमाल करना है। आपको हार्ड वाटर का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि हार्ड वाटर का इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये उतना इफ़ेक्टिव नहीं बचेगा। इसके बाद आपको सबसे पहले हमने ये स्प्रे पंप लिया है, स्प्रे पंप में 2 लीटर पानी लिया है। अगर मैं बात करूं 1 लीटर में कितना मिलाना है आपको, तो 1 लीटर में आपको मिलाना है ये 5 ml, तो ये 2 लीटर हैं तो हम यहाँ पर 10 ml यहाँ पर मिला देंगे। तो इसे मैं इस तरह से खोल लेता हूँ और अच्छे से सेक कर लें और देखिए ये मेजरिंग कप है और यहाँ से मैं इसमें जो है ये मैंने ले लिया 10 ml सोप। तो इंसेक्टिसाइडल सोप को इस तरह से हमें डाल देना है इसी पानी में और इसे मैं वापस लगा देता हूँ और अब हम इसमें लगाएंगे इसके कैप को और फिर अच्छे से इसे पहले हमें इसमें घोलना है। अच्छे से घोल लीजिए और अब हम बना लेंगे इसमें स्प्रे प्रेशर। अब देखिए जब हमने इसमें प्रेशर बना लिया तो इसके बाद इसका स्प्रे आपको किस तरह से करना है। अब जैसे हमारा ये देख रहे हैं आप बैगन का पौधा है, तो इसमें आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा पीछे देखिए इस तरह से पैच बन रहे हैं, इसमें जो है माइट्स का अटैक हो रहा है। तो अब आपको क्या करना है, इस स्प्रे को आपको पत्तियों के ऊपर इस तरीके से आप देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ हो गया है और पत्ती के पीछे की तरफ इस तरीके से आपको स्प्रे करना है। पूरे पौधे में स्प्रे इतना करना है कि ये जो पत्तियां हैं पूरी गीली हो जाएं और इस चीज़ का ध्यान रखें कि स्प्रे सुबह या शाम के समय करें, तेज़ धूप में नहीं करना है। इस तरीके से देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, तो आपको इसी तरह से स्प्रे करना है जब तक ये पूरी तरह से हमारे जो ये माइट्स हैं या दूसरे इंसेक्ट हैं इसके कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा तो वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। चारों तरफ से आप जो है पौधे के स्प्रे कर दीजिए। ये देखिए तो ये हमने स्प्रे कर दिया है, अब इसको इस तरह से हमें छोड़ देना है। अब आपको रिपीट कब करना है, तो आप रिपीट करेंगे इसको 7 से 10 दिन में। अगर आप देख रहे हैं कि ज़्यादा अटैक है कंट्रोल में, आपको 2-3 इसके स्प्रे लेने होंगे, तो आप 7-7 दिन से या 5-5 दिन के अंतर से इस तरह से स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं देखिए ये हमारे टमाटर का जो पौधा लगा है, आप इसमें भी स्प्रे कर सकते हैं और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अब हमें ये टमाटर हार्वेस्ट करना है, तो आज अगर मैं स्प्रे करता हूं तो आप कल फिर इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। बस जब आप इसको खाने में इस्तेमाल करें तो आपको इससे अच्छे से धो लेना है और कोई भी आपको इससे परेशानी नहीं होने वाली। तो ये बहुत अच्छा स्प्रे है, बहुत कारगर है। बस ध्यान आपको ये रखना है कि जब भी आप इसका इस्तेमाल करना शुरू करें, ध्यान रखिए पहले थोड़ी मात्रा में 5 ml से शुरू करें, पहले पौधे में स्प्रे करके देख लें किसी तरह का जो है इसको इफ़ेक्ट वैसा तो नहीं आ रहा है, क्योंकि ये ज़्यादातर पौधों के लिए सेफ़ है।
कुछ पौधों में हो सकता है कि ये और जो है कह सकते हैं कि जैसे हमें एलर्जी टाइप होती है, ऐसे ही पौधों के लिए इंसेक्टिसाइडल सोप में होती है। तो थोड़ा सा पैच टेस्ट आप कर सकते हैं, कहने का मतलब है एक पत्ती में स्प्रे कर दें, एक दो दिन के लिए देख लीजिए, कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा पौधे पे, तो आप फिर इसका पूरे पौधे पर स्प्रे कर सकते हैं। ये जो इंसेक्टिसाइडल सोप है, इसका जो है खरीदने की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, गार्डन गार्ड जो है नाम से ये आपको मिलेगा, तो वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं और इसका इस्तेमाल कीजिए। अगर आपने पहले भी इस तरह से इंसेक्टिसाइडल सोप का इस्तेमाल किया है तो मुझे कमेंट्स कर बताइए कि आपको कैसा रिजल्ट मिला। अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया है तो फिर इसको आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा इको फ्रेंडली एक सॉल्यूशन है हमारे गार्डन के पौधों को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए, रोगों से बचाने के लिए। तो ये था आज का वीडियो, जो कि पूरा हमने समझा इंसेक्टिसाइडल सोप के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल टेरेस एंड गार्डनिंग को सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।